नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया और मैं सिमरन हुसैन। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में चंडीगढ़ स्थित हरियाणा निवास में हाई पावर परचेंज कमेटी की बैठक हुई, जिसमें कुल 26 एजेंडे रखे गए। 18 को मंजूरी मिली, जिसके बाद कुल 275 करोड़ रुपए की खरीद को बैठक में मंजूरी दी गई। बता दें कि बैठक में कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह, कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा, कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल, कैबिनेट मंत्री बनवारी लाल और राज्य मंत्री अनूप धनक समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे। मित्रों, हाई पावर परचेज कमेटी की एक मीटिंग लगभग 3 घंटे हमारी चली है और उसमें कुल 26 एजेंडे थे, जिसमें परचेज का भी एक कुछ एजेंडा थे और कुछ इंजीनियरिंग वर्क्स के भी थे। ऐसे कुल मिलाकर उसमें से 8 एजेंडे तो अभी डेफर किए गए हैं, 2 उसमें कैंसिल हैं और 6 डेफर हैं किन्हीं कारणों से, और 18 जो आज क्लियर हुए हैं उसके अंदर कुल मिलाकर 275 करोड़ रुपए का जो इस प्रकार के सारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स थे या परचेज के जो ऑर्डर्स थे वो प्लेस किए गए हैं, जिसमें नेगोशिएशन के माध्यम से 7 करोड़ 7 लाख रुपए की आज ये बचत हुई है। वैसे कुल मिला करके और मोटे रूप से उसमें इरिगेशन के लगभग 6, 3, 9, 2, 11 तो केवल इरिगेशन के ही थे और इसके अलावा पावर डिपार्टमेंट के थे। एक पशुओं का बीमा, इसका भी आज हमने कॉन्ट्रैक्ट फाइनल किया है, जो 1 साल 2 साल 3 साल के लिए लोग अपने पशु का बीमा करा सकेंगे, तो वो भी एक कंपनी के द्वारा हुआ है। और पशु बीमा योजना सारे देश भर में, हरियाणा की जो ऐसी पॉलिसी लगातार जो चल रही है, पशुओं का बीमा जो है, पिछले साल भी जो बीमा कराया गया था उसमें लगभग 70 करोड़ रुपए का क्लेम ये पशुओं के बीमे के कारण से किसानों को मिला है, तो ये एक अच्छी स्कीम।